नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। आरजेडी के कई नेताओं ने पटना के जेडीयू ऑफिस में हुए मिलन समारोह में जेडीयू का दामन थाम लिया। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी ने इन नेताओं का स्वागत जेडीयू में किया। इसे आरजेडी में जेडीयू की बड़ी सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव भले ही अगले साल हो, राजनीतिक दलों ने तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के आने जाने का सिलसिला भी तेज होने लगा है। जेडीयू पटना ऑफिस में एक मिलन समारोह हुआ। इसमें कई आरजेडी के नेताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया। खास करके समस्तीपुर जिला से जुड़े हुए नेताओं ने समस्तीपुर जिला के आरजेडी के प्रदेश स्तर तक के कई अधिकारी और कार्यकर्ता आरजेडी छोड़कर जेडीयू के हो गए। खास बात यह है कि वो जनना कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मभूमि कर्मभूमि और खास माननीय पार्टी के नेता प्रियतम मंत्री माननीय विजय चौधरी जी के क्षेत्रीय इलाके से हैं। आरजेडी से जेडीयू में आने वाले इन नेताओं का बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी ने स्वागत किया। नेताओं ने कहा है कि इनके मान सम्मान का खास ख्याल रखा जाएगा और माना जा रहा है कि इस मिलन समारोह के जरिए जेडीयू ने आरजेडी में बड़ी सेंधमारी की है। वैसे ये बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के सभी राजनीतिक दल जो है वो तैयारी में जुट चुके हैं। बीजेपी के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो आरजेडी के तेजस्वी यादव अपनी नई राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जबकि जेडीयू में मिलन समारोह के जरिए आरजेडी नेताओं की एंट्री तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है, जेडीयू में शामिल हुए हैं सरयू राय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू में शामिल हुए हैं निर्दलीय एमएलए सरयू राय। झारखंड के कद्दावर नेता है सरयू राय। अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, खीरू महतो रहे इस समय मौजूद। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक है सरयू राय। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की थी और अब जेडीयू का दामन थाम लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सरयू राय ने जेडीयू ज्वाइन कर ली है, जेडीयू का दामन थाम लिया है। झारखंड के कद्दावर नेता के तौर पर सरयू राय की पहचान है। अशोक चौधरी, श्रवण कुमार इस दौरान मौजूद रहे, उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। खीरू महतो भी पार्टी की सदस्यता जब सरयू राय ले रहे थे उस दौरान मौजूद रहे। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं सरयू राय और उन्होंने अब जेडीयू से की सदस्यता ले ली। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, स्पा सेंटर पार्लर में पुलिस ने छापेमारी की। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शिकायत मिलने के बाद छापेमारी की गई। पार्लर में कई अनियमितता पाई गई, अभी भी छापेमारी जारी है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद पार्लर में छापेमारी की गई है। पुलिस अभी भी छापेमारी की कर रही है। पार्लर में अनियमितता की लगातार जो शिकायत थी वो मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और अभी भी ये छापेमारी चल रही है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संजय हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, स्पा सेंटर और पार्लर में छापेमारी की खबर मिल रही है, अनियमितता की भी शिकायत पहले आ चुकी थी, इस समय क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, एक लंबे अरसे के बाद फिर से राजधानी पटना में जो पार्लर्स हैं उनके अंदर जो अनैतिक काम है ये चल रहा है। इस तरह की शिकायत पटना पुलिस को मिली थी और बड़े पैमाने पर स्पेशल ड्राइव पटना पुलिस ने शुरू किया है और ऐसे जितने भी पार्लर्स हैं, स्पा सेंटर हैं, वहां पर छापेमारी चल रही है और छापेमारी को बड़े अधिकारी लीड कर रहे हैं। फिलहाल छापेमारी चल रही है, देखना होगा जब छापेमारी खत्म होती है, स्पेशल ड्राइव खत्म होता है, तो आखिरकार क्या कुछ निकलता है। चूंकि बीच में काफी दिनों तक जो पार्लर थे चाहे स्पा सेंटर थे वहां पर सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगी थी, लेकिन हाल के दिनों में पुलिस की थोड़ी निष्क्रियता और शिथिलता का फायदा फिर से इसके संचालकों ने उठाया है और छापेमारी चल रही है। छापेमारी खत्म होने के बाद सारी स्थिति और तस्वीरें स्पष्ट हो पाएंगी। जी संजय, दर्शकों को ये भी बताइए कि अनियमितता की जो शिकायतें मिल रही थी वो अनियमितता की शिकायतें क्या थी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पा और पार्लर सेंटर जो पार्लर है उसके अंदर अनैतिक काम होता है, इस तरह की शिकायतें बड़े पैमाने पर मिलने लगी थी और इसी को लेकर आज तय किया गया था कि स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा और इसी को लेकर
जिले के कई जगहों पर, खासकर जो शहरी क्षेत्र है वहां पर ये छापेमारी चल रही है। और खासकर पटना में ये जो छापेमारी है वो अभी भी जारी है। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने दावा किया है कि 2029 में भी मोदी सरकार ही आएगी और 2029 में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष को जो बोलना है बोलते रहिए, लेकिन कांग्रेस को विपक्ष में बैठने की आदत डाल लेनी चाहिए। विपक्ष में बैठकर किस तरह से व्यवहार करना होता है वो व्यवहार सीख लेना चाहिए। ये चंडीगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है। 2029 में मोदी सरकार ही आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री एक बार फिर से चुने जाएंगे और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने की अब आदत डाल लेनी चाहिए। लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टंबी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी पटना महानगर कार्य समिति की बैठक आज हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की अहम भागीदारी की सराहना की गई। आपको ये भी बताएं कि 2020 के चुनाव में पटना महानगर की चारों सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पे एवं प्रदेश स्तर पे, उसके बाद जिला स्तर पर कार्य समिति की बैठक का एक क्रम रूटीन कोर्स में होता है, उसी के अंतर्गत एक आज पटना महानगर में यह बैठक हुई। महानगर के कार्यकर्ताओं का जोश, उनकी मेहनत, उनका प्रयास है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी चारों असेंबली सेगमेंट जो पटना महानगर के अंतर्गत आते हैं उनमें प्रचंड जीत भाजपा की हुई। सभी में 50,000 के मार्जिन लगभग चारों विधानसभा में रहा है। तो हमने कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी और आगे की कार्य योजना भी बनी अगले एक साल की। और बगहा में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और मंत्री जनक राम शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रियों में जोश भरने का काम किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दीप प्रज्वलित कर और उसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि 365 दिन कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी के विचारधारा को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और खास करके वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों को गांव गांव घर घर तक जैसे विकास की रोशनी पहुंचाई गई है, उस पर चर्चा पार्टी निरंतर करती रहती है। जैसे आप देख रहे हैं आज बगहा पुलिस जिला के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विस्तृत कार्य समिति का ये बैठक चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री मंगल पांडे और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सीवान पहुंची। महाराजगंज के बलिया गांव में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में दोनों शामिल हुए। बीजेपी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुट गए। इस दौरान बैठक में कई निर्णय लिए गए। बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टिप्स भी दिए हैं। और बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर सियासत जारी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आरक्षण पर तेजस्वी को बोलने का अधिकार नहीं है। जब पटना हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाई तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तेजस्वी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग गांव में बोलते हैं थेथर है। थेथरोलॉजी में जो है असली डिग्री तो ले नहीं पाए, तो एक नया डिग्री मिलता है स्कूल और कॉलेज के बाहर में, उसको बोलते हैं थेथरोलॉजी। जो लोग स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेथरोलॉजी,
तो इन थेसरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके भावनात्मक बात करके समाज को बांट करके आज राजनीति करने की ताक में है। और पटना के ज्ञान भवन में जन सुराज की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आप मूर्खों को राजा नहीं बनाना चाहते हैं तो समझदारों को सामने लाइए। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा करने के सवाल पर कहा कि 1 करोड़ लोग एक साथ मिलकर दल बना रहे हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए। पहले वे दूसरों को सलाह देते थे कि कैसे जीतना है, अब वह बिहार की जनता को टिप्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ सदस्य के साथ पार्टी बनाना एक रिकॉर्ड होगा। विकल्प न होने की वजह से लोग गलत नेताओं को भी मजबूरी में वोट देते रहे। वो वोट उनको नहीं है, जो यहाँ का मुस्लिम समाज है वो लालटेन को और लालू जी को पसंद करके वोट देता है, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से उनको वोट देता है। जिस दिन वो डर खत्म हो गया, जिस दिन उसको दूसरा विकल्प मिल गया, तो आप देख रहे हैं कि जैसे पुराने लालटेन में से किरासन तेल निकलता है, वैसे लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। मुस्लिम समाज ये समझ रख गया है कि भाई हम तो किरासन तेल हैं, हम और हमारे बच्चों का भविष्य जल रहा है, बर्बाद हो रहा है। और बिहार में सड़कों का जाल बिछ रहा है और बड़ी संख्या में पुल पुलियों का निर्माण भी कराया जा रहा है। बिहार सरकार इसको लेकर दावे भी खूब करती है, लेकिन बड़ी संख्या में बनी पुलों में समस्तीपुर का एक पुल ऐसा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आसपास के लोग इसे आठवां अजूबा कह रहे हैं। क्यों कहते हैं आठवां अजूबा, आइए एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। पुल है, पुल तक जाने वाली सड़क नहीं। पुल है लेकिन पुल पर गाड़ी नहीं चल सकती। पुल पर चढ़ना है तो सीढ़ी का सहारा लीजिए। बिहार में पुल गिरने की खबरें तो बहुत देखी और सुन ली, अब एक ऐसे पुल को देखिए जिस पर कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती, साइकिल को भी कंधे पर रखकर चढ़ाना होता है। पुल बनने के बाद लोग इस सीढ़ी से पुल पर चढ़ते हैं और यह पुल मृत बागमती नदी के धारा पर बनाई गई है। तस्वीरें दिमाग को चकरा सकती हैं, लेकिन मन को शांत करके बस देखते जाइए। ऐसा अनोखा काम सिर्फ बिहार में ही संभव है। देखिए कैसे ये लोग सीढ़ी के सहारे पुल पर चल रहे हैं और कैसे ये कंधे पर रखकर साइकिल को पुल से नीचे उतार रहे हैं, क्योंकि पुल से नीचे उतरने और पुल पर चढ़ने के लिए कोई सड़क ही नहीं है, जिसे अप्रोच पथ कहते हैं। तो ऐसा पुल कहीं देखे हैं, सीढ़ी वाला पुल? हम तो 8-10 साल से यही देख रहे हैं, इसके अलावा कहीं नहीं देखे। ये अजूबा पुल बना है समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड में। 2013 में पुल का शिलान्यास हुआ, 6 से 7 साल पहले पुल बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन पुल को जोड़ने वाला अप्रोच पथ नहीं बनाया गया। ऐसे में लोगों ने चंदा जुटाकर पुल पर सीढ़ी लगा दी, ताकि गाड़ी से ना सही लेकिन कम से कम पैदल तो एक ओर से दूसरी ओर जा सके। वो भी ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाया, ये कहीं न कहीं सरकार के गाल के तमाचे मारने के बराबर है। 2013 में स्थानीय विधायक अशोक कुमार मुन्ना ने पुल का शिलान्यास किया तो लोगों को लगा जैसे उनकी जिंदगी को रफ्तार मिल जाएगी, लेकिन 8,65,00,000 रुपए खर्च होने के बाद भी ना तो इस पुल पर बाइक चल सकती है और ना ही कार। पैदल पार कर सकते हैं तो कर लीजिए। ऐसा अजूबा पुल सिर्फ समस्तीपुर में ही नहीं है, एक पुल अररिया में भी बना है जो समस्तीपुर वाले पुल को भी मात दे सकता है। देखिए तस्वीरें, चारों तरफ खेत और खेत के बीच में पुल। पुल पर चढ़ेंगे कैसे और उतरेंगे कहाँ, ये बनाने वाले ने सोचा ही नहीं। तो कोई काम का नहीं है वो पुल, क्या काम का बना दिया, कोई काम का नदी हलना ही पड़ेगा, डूब होवे करेगा, तो पुल क्या काम का। रानीगंज प्रखंड के परमानंदपुर गांव में लाखों की लागत से बने इस पुल का कोई इस्तेमाल नहीं है। सवाल है, अधिकारी और विभाग के लोग आखिर क्यों ऐसी हरकत करके बिहार का मजाक बनाते हैं? क्या इस तरह की प्लानिंग करने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार और अररिया से सतीश की रिपोर्ट।
और इसी बीच बड़ी खबर, आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ठनके को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है। भोजपुर, बक्सर, अरवल जिले के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। रात 8:12 तक अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में ठनके को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भोजपुर, बक्सर, अरवल में यह अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है, घर में रहने की अपील की जा रही है और कम से कम 8:12 तक घर से ना बाहर निकलने की अपील की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में ठनके को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और मुजफ्फरपुर में बाया नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। साहिबगंज थाना क्षेत्र के साहिबगंज नगर परिषद वार्ड 24 की घटना है, जहां नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए थे, जिन्हें बचाने के लिए उसे तीसरे किशोर ने डूबने से उसकी भी मौत हो गई। मृतक बच्चे और किशोर मकली टोला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीनों मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तीनों के शव नदी से बाहर निकाल लिए गए हैं, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। और किशनगंज से भी बड़ी खबर मिल रही है, तालाब में 3 बच्चे डूब गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीनों बच्चों की तलाश जारी है, प्रशासन की टीम खोजबीन कर रही है। कुरलीकोट थाना क्षेत्र की यह घटना है, अब तक बच्चों का पता नहीं चल पाया है। 3 बच्चे तालाब में डूब गए हैं, किशनगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन की टीम खोजबीन कर रही है, लेकिन बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। कुरलीकोटा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां 3 बच्चे तालाब में डूब गए हैं, नहाने गए थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। 3 बच्चे लापता हैं, प्रशासन की टीम उन 3 बच्चों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं लग पाया है। और बेतिया के पंडई नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं दोनों बच्चों को बचाने के लिए महिला भी पानी में उतर गई, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गौनाहा के बरटबा गांव में महिला दोनों बच्चों के साथ नदी किनारे मिट्टी लेने गई थी। लोगों ने शोर मचाने पर पहुंचे लोगों ने तीनों को नदी से बाहर निकाला। तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। महिला को प्राथमिक उपचार के लिए GMCH रेफर कर दिया गया है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद नालंदा के एंकगर सराय प्रखंड के लोकाइन नदी का तटबंध टूट गया है। आपको दिखाते हैं नालंदा में नदी में उफान की 2 तस्वीरें। तटबंध के टूटने से कई एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है, डूब चुकी है। वहीं दूसरी तस्वीर में नदी में जो पानी है उससे बेलदार बीघा गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे घरों में रखा हुआ अनाज और सामान पानी में डूबकर बर्बाद हो गया है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। खेत खलियान में किस तरह से बाढ़ के पानी ने तबाही मचाई है वो पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं, और घर किस तरह से इसकी गिरफ्त में आए हैं, घर कैसे डूब गए हैं, अनाज कैसे खराब हुआ है, सामान कैसे बर्बाद हुआ है, दूसरी तस्वीर से समझा जा सकता है। बारिश को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट और गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए पटना प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दीघा लक गेट के पास 14 अस्थाई सम्प हाउस तैयार किए गए हैं। सभी मशीनों के लिए ऑपरेटर की भी तैनाती कर दी गई है। बुटको नगर विकास विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यानी दीघा तक दीना लक बंद करने की जब नौबत आएगी तो शहर में पानी प्रवेश नहीं करे, इसे लेकर अस्थाई संप हाउस तैयार किए गए हैं। आपको बताएं कि दीघा घाट के पास खतरे के निशान 50.45 मीटर से 2 मीटर नीचे है। दीघा लक गेट के पास का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। जलस्तर में वृद्धि होने और बारिश के पानी की वजह से पटना में रांची जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर नगर विकास विभाग के साथ साथ उडको और जल संसाधन विभाग पूरी तरह से तैयार है। राजधानी पटना के दीघा घाट की अगर बात करेंगे तो यहां पर लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। इसके साथ साथ दीघा लक के पास भी तैयारी पूरी कर ली गई है, यानी अगर दीघा लक गेट जो है उसे बंद करना पड़े तो इसके लिए यहां पर मशीनें लगा दी गई है। जो अस्थाई संप हाउस है वो तैयार है, लगभग 14 अस्थाई संप हाउस यहां पर लगाए गए हैं।
जो देख सकते हैं कि ऑपरेटर के साथ पूरी तरह से यहाँ तैयार है। हम लोग सब पूरी तरह से रेडी हैं कि अगर किसी तरह पटना में बाढ़ की स्थिति बनती है, गंगा जल स्तर अचानक से अगर बढ़ता भी है, तो हमारे यहाँ 14 पंप जो है जिसमें से 9 डीजल 105 एचपी का है और 5 इलेक्ट्रिक 120 एचपी का लगाया गया है। और हमारे साथ साथ हमारी टीम जितनी भी है यहाँ पे जो 24 आवर यहाँ पर ऑपरेटर दिया गया है पंप हाउस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, एंड टेक्निकल लोग भी यहाँ पे हमेशा रेडी रहते हैं। और हमारे विभाग से जो कि हमारे बुडको जो है, जिस बुडको के द्वारा और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है पीके इंडस्ट्रीज के द्वारा, यहाँ पे हर तरह का जो भी कुछ बाढ़ को स्थिति को रोकने के लिए, जल जमाव को बचाने के लिए पटना को, ठीक है, जो भी कुछ आप लोग तैयार हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि जो दीघा लक गेट है इसको आप क्या करेंगे, मतलब बंद कर देंगे? सर जैसे जल स्तर गंगा का बढ़ता है, ठीक है, खतरे के निशान से ऊपर आता है, तो हम लोग WRD के द्वारा, ठीक है, जो कि बगल में उनका ऑफिस है, वो आकर ब्लॉक को ब्लॉक कर देंगे पूरी तरह से, और उसका पानी हमारा यहाँ पे स्टॉक होगा। जैसे पानी स्टॉक होगा, हमारा एक लेवल है, ठीक है, जिसमें 2 मीटर के आसपास में पानी, शहर में पानी प्रवेश नहीं करने देंगे सर। ऐसी परिस्थिति आएगी तो ये मशीन काम करने लगेगी, और इसके साथ साथ सम्प हाउस के जरिए दीघा लक जैसे ही बंद करेंगे तो गंगा में हम पानी प्रवाहित करने लगेंगे। जाहिर है जिला प्रशासन के साथ साथ तमाम विभाग के अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑपरेटर के साथ साथ जो इंजीनियर हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, ताकि जलस्तर बढ़ने के बाद राजधानी पटना पर कोई खतरा उत्पन्न न हो। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।